चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो, आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी है इसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी। ठीक है, लॉन्ग। अब देखिए, ये जो लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी है ना, ये एक ऐसे माहौल में बनाई जाती है जहां पर मार्केट में एक बड़ी वॉलेटिलिटी आए। अब बड़ी वॉलेटिलिटी कब आती है मुझे बताइए, यानी मार्केट व्यू क्या है? वाइल्ड मूव आइदर साइड। अब मुझे आप ऐसा बताइए, ऐसे कौन से मौके होते हैं जब मार्केट में कोई बड़ा मूव आना निश्चित होता है, ऑलमोस्ट निश्चित होता है? ठीक है, कब ऐसा होता है? इवेंट्स पे होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा हम मानते हैं कि हमेशा, अब देखो, इवेंट तो बजट साल में एक बार आता है, इलेक्शन का रिजल्ट साल में 5 साल में एक बार होता है। तो हमें ये स्ट्रेटेजी ना ऐसे माहौल में बनानी है जहां पर फ्रीक्वेंटली आपको ये मौके मिलते रहें। और फ्रीक्वेंटली मौके कब मिलते हैं? जब वीकली या मंथली एक्सपायरी होती है। तो वीकली और मंथली एक्सपायरी पर क्या होता है, मार्केट में एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होता है और आता भी है, आपने देखा है। अब फायदा क्या है? ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप बहुत छोटा सा पैसा लगा के एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब वीकली एक्सपायरी होती है तो मार्केट में एक बड़ा मूव आ जाता है, और वीकली एक्सपायरी होने की वजह से जो प्रीमियम की कॉस्ट होती है वो बहुत थोड़ी होती है। आपने देखा ही है, क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत थोड़ी होती है प्रीमियम में, और जो इंट्रेंसिक वैल्यू होती है वो तो आउट ऑफ द मनी में होती नहीं है, तो प्रीमियम बहुत सस्ते मिलते हैं आपको। अगर आप 12 बजे के आसपास देखेंगे तो प्रीमियम की वैल्यू आप देखेंगे 10 से 20 रुपए के आसपास आपको मिल जाती है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी पे यही कोई 40 रुपए 30 रुपए का प्रीमियम आपको मिल जाता है। ठीक है, अब आप सोचो कि यही प्रीमियम हमें क्यों लेने हैं? इसलिए लेने हैं क्योंकि अगर एक बड़ा मूव आ गया तो आपका एक बड़ा पैसा बन जाएगा। ठीक है, एक बड़ा पैसा बन जाएगा, और बड़ा पैसा बनेगा, और मान लेते हैं बड़ा मूव नहीं आया तो क्या होगा? तो आपके पास खोने के लिए तो लिमिटेड ही है ना, 2-4 हज़ार रुपये का रिस्क है वो आप ले सकते हैं। देखो, 2-4 हज़ार का रिस्क मतलब हो गया कैलकुलेटिव रिस्क, राइट? पर एक्सपायरी वाले दिन एक बड़ी बात होती है, अचानक से बड़े मूव आने की वजह से हमें ये पता नहीं चल पाता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। ये पॉसिबिलिटी दोनों तरफ होती है, मार्केट में ऊपर भी जा सकती है मार्केट और नीचे भी जा सकती है। तो इस रिस्क को हम खत्म कर देंगे। किस तरह से? एक कॉल खरीदेंगे, एक पुट खरीदेंगे, दोनों को खरीद लेंगे, तो पोजीशन क्या हो गई हमारी, हेज हो गई। अब किसी भी तरफ मार्केट जाएगा तो एक बड़ा पैसा आपका बन जाएगा, और किसी भी तरफ मार्केट नहीं गया तो क्या होगा, आपका लिमिटेड लॉस हो जाएगा 1,000-2,000 रुपये का। उतना तो खोना बनता है, अगर वो खो के आपको 10 या 20 हज़ार रुपये मिले तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होता है। ठीक है, अभी बताते हैं आपको, है ना। तो अब ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ निफ्टी पे। तो मान लेते हैं कि अभी निफ्टी का जो लेवल है, मान लेते हैं जो निफ्टी का लेवल है वो है 24,500। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, आपने देखा होगा कि ऑप्शन चेन में 24,500 का रेजिस्टेंस था, उस दिन हमने पढ़ा भी था, उस लेवल से ही मार्केट नीचे भी आ गया, आपने ये भी देखा होगा। तो ऑप्शन चेन हमने जिस तरह से देखी थी उसके हिसाब से मार्केट नीचे आया, और देखा आपने मार्केट नीचे आ गया। तो निफ्टी का जो लेवल है वो है 24,500, और आज है वीकली एक्सपायरी मान लेते हैं। तो आज वीकली एक्सपायरी पे आपके दो व्यू हैं कि भाई या तो मार्केट जाएगा 24,700, एक बड़ा मूव 200 पॉइंट का मान लेते हैं, या फिर मार्केट जाएगा 24,300, अगेन 200 पॉइंट का एक मूव आएगा। तो ये 200 पॉइंट का जो मूव है, अपसाइड डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन में आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इसे एलिमिनेट करने के लिए इस रिस्क को एक ओटीएम कॉल बाय करते हैं। अब मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है, तो ओटीएम कॉल क्या हो गई, इसके नेक्स्ट कॉल, यानी आप क्या करेंगे, आप एक ओटीएम कॉल बाय करेंगे जिसका स्ट्राइक होगा 24,550 का। ठीक है, और इसका प्रीमियम बहुत सस्ता होगा, मान लेते हैं 15 रुपये। ये 15 रुपये का प्रीमियम है, तो आपने क्या किया, 15 रुपये का प्रीमियम पे कर दिया, करेक्ट। अब अगर मार्केट ऊपर गई तो इसमें लॉटरी लगेगी, ठीक है, पर क्या पता मार्केट नीचे चली जाए। तो उस रिस्क को ख़त्म करने के लिए आप एटीएम पुट को बाय कर लेते हैं,
और बाय करते हैं तो उतनी दूर की स्ट्राइक लेंगे, यानी नीचे की तरफ क्या होगा 24,450 का पुट आप बाय कर लेंगे, और ये भी हम हाइपोथेटिकली मान रहे हैं 15 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। अब दोनों तरफ आपने क्या किया, 30 रुपये का ये जो है कॉस्ट आपकी ये हो गई। देखो आपने 15 रुपये यहाँ पे किए, 15 रुपये यहाँ पे किए, तो टोटल प्रीमियम क्या हुआ 30 रुपये। तो आपका कॉस्ट क्या हो गया 30 रुपये, तो मैक्सिमम रिस्क आपका क्या है 30 रुपये। पर यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड। मार्केट में आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा अनलिमिटेड। तो 30 रुपये गवा के अगर 400-500 रुपये मिल जाएं तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी तो बहुत ज़बरदस्त रहती है। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पर हमें एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पर ना आपका प्रॉफिट हो ना आपका लॉस हो। तो मैंने आपको बताया था कि कॉल का ब्रेक इवन हम कैसे निकालते हैं, स्ट्राइक प्लस प्लस प्रीमियम, और पुट का कैसे निकालते हैं, स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। तो आपने प्रीमियम कितना दिया यहाँ पे, यानी कॉस्ट तो आपकी 30 रुपये हो गई ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉल साइड पे जो आपकी स्ट्राइक है 24,550, इसमें 30 पॉइंट प्लस कर दोगे तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 24,580। इसके ऊपर जो भी गया मार्केट वो आपका प्रॉफिट है। 24,450 माइनस 30, 24,420 ये आपका ब्रेक इवन आया पुट साइड का। यानी अगर मार्केट नीचे गया और 420 के नीचे चला गया तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक केस समझना पड़ेगा कि मार्केट की हो जाती है एक्सपायरी। तो बोलो आप कहाँ पर करें मार्केट की एक्सपायरी, बोलो आप लोग कोई भी एग्जांपल लेके। एक्सपायरी मान लेते हैं हो जाती है 24,800 पे, ठीक है। तो अब किस तरफ वाला प्रीमियम बढ़ना चाहिए, कॉल तरफ वाला, पुट वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पर एक सिंपल सा आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है मार्केट, उसके ऊपर जितना भी एक्सपायर होता है वो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है। तो हमारे पास दो तरीके हैं अपना टोटल प्रॉफिट निकालने के। पहला तो ये कि जहाँ पर मार्केट खड़ा है या स्पॉट है, ठीक है, हम क्या करेंगे 800 में से ब्रेक इवन को माइनस कर देंगे। 24,580 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 220, ये 220 हमारा नेट प्रॉफिट है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका फार्मूले से हम कर सकते हैं। और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा स्पॉट माइनस स्ट्राइक, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि प्रीमियम की कॉस्ट क्या होगी। तो स्पॉट क्या है, जहाँ पे मार्केट की एक्सपायरी हुई है 24,800, और यहाँ पर स्ट्राइक क्या है जो हमने ली थी कॉल की 24,550, तो कितना हो गया 250 हो गया। अब 250 रुपये का प्रीमियम की वैल्यू उस समय होगी, पर यहाँ पे 30 रुपये तो हमारी कॉस्ट भी थी, ये कॉस्ट को माइनस करोगे तो कितना आया 220, ये नेट प्रॉफिट है, करेक्ट है। तो ये नेट प्रॉफिट हमारा 220 का आ गया। दोनों तरह से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जी सर बोलिए। इसमें हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट भी तो आएगी, जीरो हो गई सर, मार्केट तो ऊपर चला गया ना। देखिए फार्मूला लगाइए, अब यहाँ पर पुट साइड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो स्ट्राइक क्या थी सर 24,450, स्पॉट क्या है सर 24,800, वैल्यू आई माइनस में यानी ज़ीरो। तो ना तो टाइम वैल्यू ही बची इसमें, ना तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही बची, ज़ीरो हो गई। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया, आपने लगाया था 30 रुपया, बन गया 250 रुपया, ऑलमोस्ट 8 गुना हो गया पैसा, 8 times, 1 लाख का 8 लाख, पर लगाना कितना है 1,000-2,000, 1,000-2,000 का 10,000 हो गया, ठीक है यार। अब आपको ये समझाता हूँ मैं कि कितनी एक्सपायरी आपको मिल सकती हैं। देखो महीने में होती है 4 एक्सपायरी, ठीक है, और साल में होते हैं 12 महीने, तो 48 एक्सपायरी आपको मिलेंगी ट्रेड करने के लिए। अभी 48 बार अगर आपने ट्रेड किया और ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है ये सही साबित हो गई, तो इसमें से मान लेता हूँ आपका 35 times ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हुई, 13 बार फेल हो गई, तो भी एक बड़ा पैसा बनेगा नहीं बनेगा, आप समझ पा रहे हो। तो इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना एक समझदारी वाली बात हो सकती है विद लिमिटेड कैपिटल। अब ये नहीं कि आप लोग 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 से करो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 1-2 लॉट से करो, सीखो,
प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर लॉट साइज बढ़ाओ, एक एक और बढ़ाओ, दो करो, तीन करो, और मैक्सिमम कभी भी 5,000 से ज़्यादा मत करो, भले ही कितना भी तुमको यकीन हो, क्योंकि 5,000 जाएंगे आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 50,000 जाएंगे पक्की बात है सेहत ख़राब होगी। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो ये स्ट्रैटेजी में आपको डाउट है, सवाल पूछो। ये तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है ना जहाँ पे चीज़ें होनी तय हैं, बड़ी मूवमेंट आएगी आएगी वो तय है, तो आपको चार्ट यहाँ पर अगर नहीं भी देखेंगे तब भी काम चल जाएगा। नहीं सर, देखो यहाँ तो ना आप एक लिमिटेड रिस्क ले रहे हो, ऑप्शन स्ट्रेटेजी का मतलब है जहाँ पर खोने के लिए भी लिमिटेड है, पाने के लिए अनलिमिटेड है, तो ऐसी स्ट्रेटेजी में चार्ट वगैरह तो कोई काम करेंगे नहीं, क्योंकि अगर चार्ट देखोगे तो उससे आपको एक साइड का डायरेक्शन पता चलेगा जो आपको पता नहीं करना है, क्योंकि फिर स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, है ना? अच्छा वो ऑप्शन चेन, वो भी सर देखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी तो फिक्स्ड है, उसे देखकर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चलेगा। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी कब मार्केट में लास्ट के आधे घंटे में मूव कर गई तो आप क्या कर लोगे, तो मूवमेंट के हिसाब से बनाई जाती है स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड स्ट्रेटेजी है, आप इसे मूवमेंट के हिसाब से बनाएंगे। मैं लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, और ये बड़ा अच्छा है, कुछ हमारे स्टूडेंट है ना यूट्यूब पे, वो बोलते हैं सर लाइव मार्केट में करके दिखाओ, लाइव मार्केट में करके दिखाओ, तो आज शायद उनका भला हो जाएगा। अब ध्यान से सब लोग देखो, मार्केट कहाँ पे चल रहा है, मार्केट चल रहा है अगर आप देखो 24,280 पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से 24,350 और 24,250, ठीक है, ये दोनों आउट ऑफ द मनी कॉल पुट हो गई, यानी कॉल साइड में अगर हम देखें तो भाई ये 4.60 रुपये की कॉल है, और अगर हम पुट साइड देखें तो ये 14 रुपये की पुट है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों को बाई किया, दोनों का प्रीमियम हो गया आप मान लो 18 रुपये का, है ना, 17 रुपये का हुआ प्रसाइजली, पर मैं 18 कर देता हूँ, तो यहां पर हमारी जो कॉस्ट है कितनी हो गई, 18 रुपये। ठीक है, अब ये 18 रुपये जो है ये है हमारी कॉस्ट मैक्सिमम रिस्क, तो हमारा ब्रेक इवन कैसे आएगा, इसमें 18 प्लस कर देंगे और इसमें 18 माइनस कर देंगे, तो अब यहां पर मान लेते हैं कि हमने यहां पे 18 रुपये माइनस कर दिए, 18 रुपये माइनस कर दिए, तो क्या आया 32 रुपये, यानी कि 24,232, यानी 24,232 के नीचे हमारा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा पुट साइड में, और यहाँ पर 18 रुपये प्लस कर दिए तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 24,368, नहीं 18 करेंगे ना सर, कॉस्ट तो हमारी 18 रुपये है ना, 24,368 रुपये हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा कॉल में। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अभी का टाइम हो रहा है तकरीबन 2:45 बज रहे हैं, अगर मार्केट की एक्सपायरी 24,368 के ऊपर हुई तो हमारा प्रॉफिट है, और अगर 232 के नीचे हुई तो भी हमारा प्रॉफिट है। अब ये एक बारी हम क्लोजिंग टाइम पर देख लेंगे, वैसे अभी के हिसाब से तो देखो वॉलेटिलिटी नहीं है, ठीक है, तो उम्मीद भी कम है, अब नॉर्मली उम्मीद कम है, पर जब उम्मीद ना हो अक्सर चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि जब मार्केट में एक ट्रेडर ये सोचता है कि आज तो कुछ नहीं हो रहा, उसी दिन कुछ बड़ा हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, तो ये 18 रुपये का जो एक प्रीमियम है ये आपका कैलकुलेटिव रिस्क है, और ये आपको लेना चाहिए एक लॉट से। तो अगर आप एक लॉट के साथ इसे डिप्लॉय करते हैं तो देखो खोने के लिए क्या है, यहाँ पर निफ्टी का लॉट साइज़ है 25 का, यानी 450 का आपका रिस्क है, 490 का आपका रिस्क है, 500 ही मान लो, तो इस स्ट्रेटेजी में 500 का रिस्क है आपका। नहीं नहीं, एक एक लॉट ले रहे हो ना, तो निफ्टी पे ले रहे हो, नहीं नहीं, तो टोटल कॉस्ट तो आपके 18 रुपये है ना, हम वो कैलकुलेट करेंगे, एक ही ले रहे हो तभी तो 18 रुपये लग रहे हैं, इधर 4 रुपये लगा दिए 5 रुपये, इधर आपने लगा दिया 14 रुपये, तो 18 रुपये, तो हम तो ये मानेंगे ना कि 18 रुपये का रिस्क है, तो यहाँ पर खोने के लिए आपके पास क्या है, तकरीबन 500 रुपये, और अगर यहाँ से मार्केट समझो कि 200 पॉइंट नीचे आ गई या 200 पॉइंट यहाँ से ऊपर चली गई तो लॉटरी का टिकट है, तो भाई 500 रुपये का रिस्क तो लेना बनता है ना, कैलकुलेटिव रिस्क है। आ रही मेरी बात समझ में? आउट ऑफ द मनी की तो हमेशा जीरो ही होती है। सर यहाँ पे 24,250 दिखा रहा है, 11 रुपये 50 पैसे,
अब नीचे आ गया ना सर, अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, नीचे आ जाएगा। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588-68475 और विजिट www.onlinenifm.com।